श्री श्याम निशान उत्सव के शुभारंभ 21 फरवरी से हो रहा है। इस विषय पर आज एक प्रेसवार्ता रखी गई। प्रेसवार्ता में बताया कि श्री श्याम ज्योत मंडल की ओर से होने वाले 40वें श्री श्याम निशान उत्सव इस बार 3 दिवसीय होगा, जिसका आयोजन ऐशबाग के तिलक नगर स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क में किया जाएगा। 21 और 22 फरवरी को सांवरे की महफिल सजाने के लिए पंजाब के नरेंद्र चंचल नाम से विख्यात विशाल शैली, कोलकाता के श्याम जगत के मशहूर विकास कपूर, कानपुर कुमार मुकेश और श्री श्याम धान वृंदावन बरसाना की ब्रज रस अनुरागी साध्वी पूर्णिमा दीदी श्याम भजनों की सरिता से भक्तों को सराबोर करने आ रही हैं। इस बात की जानकारी प्रेसवार्ता में मंडल समिति के अध्यक्ष श्रवण कुमार, कोषाध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल और मीडिया प्रभारी अनुपम मित्तल ने संयुक्त रूप में दी। निशानोत्सव अब की बार हम लोग 40वां प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 3 दिन 21, 22 और 23 फरवरी को बाबा को बहुत ही सुंदर भजन के द्वारा रिझाएंगे, मनाएंगे और 23 तारीख को सभी भक्त हाथों में निशान लेके झूमते नाचते गाते हुए लखनऊ बीरबल साहनी मार्ग मंदिर पे बाबा को निशान अर्पित करेंगे। अब की बार 21 तारीख को हम लोग बाबा का जो दरबार बन रहा है, जिसके लिए श्री श्याम ज्योत मंडल पूरे प्रदेश में मशहूर है कि हम लोग के यहाँ का दरबार जो बाबा अपने आप बनवाते हैं, हम लोग केवल एक माध्यम है, वो बहुत ही सुंदर एकदम खाटू मंदिर सरीखा करीब 45 फीट ऊंचा और 75 फीट चौड़ा मंदिर का दरबार बनवाया जा रहा है, जिसमें कि बीच में बाबा की छवि के दर्शन होंगे। प्रथम दिन 21 तारीख को श्वेत मार्बल का दरबार रहेगा और 22 तारीख को उसको हम लोग ने आधुनिक लाइटों के द्वारा LED के साथ साथ हम लोग उसको मल्टी कलर, जैसे कि चूंकि बाबा वैसे भी कहलाते हैं हमारे रंगीले बाबा हैं, तो इसलिए हम लोग उनको करें। सारे कार्यक्रम का आयोजन का स्थल कहाँ पर? हम लोग का श्री श्याम ज्योत मंडल का जितना भी प्रोग्राम होता है वो महाराजा अग्रसेन पार्क तिलक नगर में ही होता है, यहीं पर है। टाइमिंग क्या रहेगी सर? शाम को 5 बजे हम लोगों का कीर्तन स्टार्ट होगा जो रात्रि मध्यरात्रि तक चलेगा। कौन कौन है मुख्य अतिथि के रूप में? कौन कौन सम्मिलित होंगे कार्यक्रम? मुख्य अतिथि हम लोगों का एक सीधा सा मानना है कि केवल और केवल बाबा, हमारे लिए उससे बड़ा कोई चीज नहीं है, तो केवल बाबा को ही हम करते हैं। बाकी जो भी भक्त आए वो आ सकते हैं। हालांकि हम लोगों के यहाँ हमारे पूर्व उप महामंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, प्रेजेंट के श्री ब्रजेश पाठक जी, महापौर सिंहता भाटिया जी, श्री नंदी जी, हमारे विधायक रविदास मेहरोत्रा जी, नीरज भोटा जी आदि सब रहते हैं साथ में। अब की बार हम लोगों को जो कलाकार आ रहे हैं वो 21 तारीख को पंजाब से विशाल शैली जी हैं, कलकत्ता से विकास कपूर जी हैं, साथ ही साथ 22 तारीख को पूरे विश्व विख्यात साध्वी पूर्णिमा जी, जिनको कि पूनम दीदी भी कहते हैं, वो अब की बार आ रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग जितना भी चीज़ है बाबा को रिझाने का है, और वैसे भी हमारे खाटू श्याम जी कलयुग अवतारी हैं, जिनको कि महाभारत में कृष्ण जी के द्वारा ये वरदान मिला था कि कलयुग में कृष्ण जी के नाम से ही जाने जाएंगे, और इनको हारे का सहारा कहते हैं। तो इसलिए कोई भी जना जो हार के आता है उनको यहाँ पर मिलता है, क्योंकि अगर आप एक छोटा सा वृतांत देखेंगे कि जब महाभारत काल में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, जब तक उसने अपने चीर को पकड़े रही थी तब तक कन्हैया जी उसकी मदद के लिए नहीं आए, और जैसे ही उसने अपना सर्वस्व अर्पण किया, अपने हाथ दोनों उठाए और बोला कि कन्हैया अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, उनको पल भर की देर नहीं लगी और वो तुरंत आके उन्होंने उसकी सहायता करी। उसी तरीके से हमारे बाबा श्याम का है जो कि हारे के साथ। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।